क्लास टेंथ कक्षा 10 कोड है 402। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल यानी कि स्व प्रबंधन इसके स्किल्स देख रहे हैं। यहां हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मतलब होता है स्व, स्वयं, खुद। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। तो स्व प्रेरणा, अपने आप को आप प्रेरित कैसे करेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि जब रेस हो रही होती है तो लोग आपको बकअप करते हैं, दौड़ो दौड़ो, वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन फास्ट। जब बॉक्सिंग हो रही होती है लोग आपको बकअप करते हैं, तो आप एक दो पंच और मार देते हैं बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में, या फिर बहुत तेज से अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो जब आपको कोई प्रेरित करता है या कोई आपको आपको ज्ञान देता है या कुछ करने के लिए बोलता है, तब आप तो उसकी बात सुन के आप प्रेरणा ले लेते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है सेल्फ मोटिवेशन की, खुद को प्रेरित कैसे करें बगैर किसी के मदद के। खुद को प्रेरित कैसे करें, प्रेरणा का मतलब ये होता है या प्रेरित का मतलब ये होता है कि हमको जिंदगी में कुछ आयाम, कुछ काम, कुछ आइडियाज, कुछ थॉट, कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल आदमी बनना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए हमको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कहानी देखिएगा, इसमें दो पार्टी है, यानी कि एक आपका है कछुआ और एक है रैबिट। रैबिट तो जिसे हम हेयर कह रहे हैं, खरगोश। तो खरगोश और कछुए की कहानी है। खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ बहुत बहुत धीरे दौड़ता है, बहुत देर दौड़ता गया चलता है या रेंगता है। लेकिन जब ये रेस होती है तो हम देखते हैं कि क्योंकि ये बहुत स्लो है उसके बावजूद भी, और ये रैबिट, इनको इतना ज़्यादा आत्मविश्वास या कहें और कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये कछुआ तो कभी मुझे ब्रेक कर ही नहीं सकता, मुझसे कभी जीत नहीं सकता। तो रैबिट क्या करते हैं, सो जाते हैं, ही स्लीप्स, रास्ते में सो जाते हैं, और ये अपनी चाल बनाए रखते हैं और लास्ट में कछुआ जीत जाता है। तो क्योंकि ये बहुत स्लो थे उसके बाद भी वो जीत जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि कभी भी टॉर्टोइज ने या कछुए ने ये नहीं सोचा कि मैं किसी से कमतर हूँ। हमेशा ये प्रेरित रहे, खुद को इन्होंने प्रेरणा दी, खुद मोटिवेटेड रहे, और कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इनसे हारूंगा। छोटे थे कद में, दौड़ में धीरे धीरे चलते थे, और धीरे धीरे चलते चलते इन्होंने जितने भी हर्डल्स आए, जितनी भी परेशानियाँ आई, उनको इन्होंने पार पाया, उनको इन्होंने जीता, और फाइनली वो रेस को जीत गए, इस दौड़ को जीत गए, जिसमें पूरी 101% चांसेस थे कि खरगोश जीतेगा, और ये डीमोटिवेट नहीं हुए और मोटिवेशन के साथ, प्रेरणा के साथ ये जीत गए। तो सेल्फ मोटिवेशन है क्या? सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर का एक फोर्स है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जो आपको ड्राइव करती है, जो आपको पुश करती है, जो आपको धकेलती है आगे बढ़ने के लिए, आगे की तरफ धकेलती है। और आप इसी स्व प्रेरणा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको आपके गोल्स, आयाम, जो आपके गोल सेट हैं या आपको ज़िंदगी में जो पाना है उसकी तरफ ले जाती है, आपको खुश रखती है, और साथ में आपकी ज़िंदगी को और खुशनुमा बनाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं ना गाड़ी, बंगला, कार, ये सब आपको देती है। ओके, देखिए एक और चीज़ समझ लीजिए कि सेल्फ मोटिवेशन या स्व प्रेरणा का मतलब ये होता है कि आपको जो करना है वो खुद करना है, बगैर कोई आपको इन्फ्लुएंस करे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब आपको कोई सिखाता है, टीचर बोलता है ये करिए, कम ऑन ये वेरी गुड वेरी गुड, तब आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं तो आपको बोलेंगे अरे मैं तो टीवी देख लूँ, बोर हो जाऊँ, सो जाऊँ, खेल लूँ। लेकिन जिंदगी में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, आपको बगैर किसी के इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी के राय और मशवरे के, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे। जैसे अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर नेहा है, और नेहा क्या कर रही है, ये अपना स्कूल के बाद का टाइम मोस्टली ये प्रैक्टिस करती हैं, यानी ये मेहनत करती रहती हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो संभावना है एग्जाम में आने की, उसकी कोशिश ये करती हैं, उसको ट्राई करती हैं। और क्योंकि इनको एक बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना है और इनकी इच्छा है, इसलिए स्व प्रेरित है, और इस कॉलेज में जाने की जो प्रेरणा है वो इनको मेहनत के लिए हमेशा तैयार रखती है। कोई इन्हें कहता नहीं है। रेखा सुबह 5 बजे उठती है, डांस क्लासेस में जाती हैं, फिर वापस आती हैं, अपना होमवर्क करती हैं स्कूल जाने से पहले, और ये खुद करती हैं, इनको कोई कह नहीं रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि जाओ डांस करो, डांस ना भी करो तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन डांस ये करती हैं क्योंकि इनको डांस अच्छा लगता है, इनको लगता है कि भविष्य में इनका जो नृत्य है उससे उनको खुशी मिलती है, और उसको वो आगे चल के अपना लाइवलीहुड या अपनी ज़िंदगी का एक आयाम बनाना चाहती हैं। तो अलग अलग तरीके की प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है। इसमें
और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो हो मेरे लिए वही हो। जैसे इंटरनल मोटिवेशन है और एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन में हम मोस्टली बात करते हैं प्यार की, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो हमें खुश रखता है, जिस चीज़ से हमें प्यार है, हमें हेल्दी रखता है। जैसे हमको बहुत बहुत खुशनुमा फील होता है। जब भी आप खुश होते हैं तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जब दुखी होते हैं तब कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जब हम खुश होते हैं, जैसे मान लीजिए एनुअल डे फंक्शन है आपका, कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है स्कूल में, और आपने कुछ नया सीखा या नया किया, डांस किया, गाना गाया, तो बड़ा अच्छा लगा आपको। तो अगली बार जब आएगा तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसको हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब होता है बाहरी प्रेरणा। इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमको बाहर से इज्जत मिलती है, बाहर से रिवॉर्ड मिलता है, बाहर से हो सकता है पैसा भी मिले। तो जैसे सुरेश जो है वो 100 मीटर के रेस में दौड़े, ये जीत गए, और जब ये जीत गए तो इनको इतना मोटिवेशन मिला बाहर से, या इनको इतनी रिस्पेक्ट मिली, इनको इतना ऑनर मिला, लोगों ने इतनी तारीफ की कि ये अब हर दिन सुबह उठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा जीतूं, और इस जो प्रथम में आया हूं उस चीज़ को मैं बना के रखूं ज़िंदगी भर। इसे हम बाहरी मोटिवेशन कहते हैं। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। तो जो लोग होते हैं वो कैसे अलग होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि खुद ही प्रेरित जो लोग होते हैं या स्व प्रेरित लोग होते हैं, वो किस तरीके से बाकी लोगों से अलग होते हैं। कई ऐसे बिहेवियर वो दिखाते हैं, कई ऐसा व्यवहार वो दिखाते हैं जिससे हमें लगता है कि वो खुद ही प्रेरित है। सबसे पहली चीज इसमें जो आती है वो है आपकी, उनको जिंदगी से क्या चाहिए। जैसे कोई सिंगर है, उसको वो चाहता है मैं इंडियन आइडल जीत जाऊं, प्ले बैक सिंगर बन जाऊं। कोई बॉक्सर है, वो चाहता है कि मैं ओलंपिक में मेडल ले आऊं। कोई अच्छा मैथमेटिक्स या पढ़ने वाला है तो वो कहता है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट करूं, या एमआईटी से मैं पीएचडी करूं। वो फोकस्ड होते हैं, मतलब उनका ना, जैसे अर्जुन को कहा गया था कि भाई आप निशाना लगाओ, तो उसको केवल जो मछली है उसकी आँख दिखती थी। तो वो फोकस्ड होते हैं, वो इधर उधर की चीज़ें नहीं देखते, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना शादी, ना ब्याह, ना रिश्तेदारी, कुछ नहीं देखते। वो केवल अपने गोल पे लगे रहते हैं। नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। पढ़ाई को देनी है या फिर मज़े को देनी है, आराम को देनी है कि मेहनत को देनी है। वो जानते हैं कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि आज मेहनत कर लेंगे तो आगे ज़िंदगी भर फायदा रहेगा, ज़िंदगी भर आराम करेंगे। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी उन्होंने जो अपने सपने संजोए हैं, सपने उनके हैं, ड्रीम्स, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो जी जान से लग जाते हैं, पूरी तरीके से डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, 3 D's के साथ वो लगे रहते हैं जब तक वो ये सक्सेस अचीव नहीं कर लेते। लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद भी, क्योंकि इनका अंदर से वो स्व प्रेरित है, तो हमेशा ये ज़िंदगी में सफलता पाते हैं जहाँ भी ये जाते हैं, जो भी काम करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर ई श्रीधरन। क्या नाम हुआ इनका? मिस्टर ई श्रीधरन। अभी ये 80 साल के हैं, 80 प्लस के हैं, और अभी इन्होंने केरल का जो चुनाव हुआ 2021 में, अप्रैल मई के महीने में, इसमें इनको चीफ मिनिस्टर की तरह, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया। मतलब इतने बड़े आदमी है ये कि इनको चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया गया। वो अलग बात है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट नहीं जीत पाई, मात्र 2 सीट ही शायद उनको मिली है। लेकिन ये जो ई श्रीधरन है, ये इन्होंने मेट्रो रेल में एक रेवोल्यूशन ला दिया, हिंदुस्तान में क्रांति ला दी। ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड थे, स्वप्रेरित थे, हमेशा एनर्जेटिक थे, हमेशा इनका गोल था कि हिंदुस्तान को मेट्रो रेल जो होती है, जो ज़मीन के नीचे चलती है, थोड़ी फास्ट चलती है और थोड़ी छोटी होती है, जैसे नॉर्मल रेल होती है ना, उस तरीके से नहीं होती है। तो जो मेट्रो रेल है उसकी सार्थकता, उसकी क्रांति और उसका जो परिदृश्य या उसकी जो हमने कल्पना की थी, परिकल्पना की थी, उसको साकार करने में मिस्टर ई श्रीधरन ने हिंदुस्तान को उस लेवल तक पहुंचा दिया जो आज जापान कोरिया है। क्योंकि एनर्जेटिक थे, अंदर से ऊर्जावान थे, और अपनी ऊर्जा से इन्होंने अपने जो टीम के लोग हैं उनको भी बड़ा मोटिवेट किया, उनको भी प्रेरित किया, और जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, दिल्ली का पूरा जो मेट्रो प्रोजेक्ट वो इन्हीं के हाथ में था, और क्या इन्होंने क्या से क्या कर दिया इन्होंने। बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है। यहाँ पर मैं बात करूँगा MDH, ये जो साहब दिख रहे हैं, इनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। क्या नाम है? महाशय धर्मपाल गुलाटी। ये इसी से MDH बना है। इसमें महाशिया दी हट्टी, क्योंकि ये पंजाब से, कहाँ से ये आए थे, उधर से पाकिस्तान से। तो ये MDH जो है, महाशिया दी हट्टी, MDH मसाले, ये जो मसाले हैं
ये आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है MDH मसाले। पहले बेचारे ये करोल बाग में जब आए, मतलब ये तो रेफ्यूजी थे, वहाँ पर इनकी बहुत छोटी सी दुकान थी और उसके बाद इनका बिल्कुल क्लियर आइडिया था कि मुझे मसालों पे काम करना है, और आज ये एक जायंट है, पूरे विश्व में इनका डंका बजता है। अभी इसी साल इनकी शुरुआत में इनकी देहांत हो गया, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, किस तरीके से हम अपने स्वयं की जो प्रेरणा है, खुद की जो ऊर्जा है, उसको क्या, उसका निर्माण कैसे करेंगे, उसको बिल्ड कैसे करेंगे, तो चार स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको बढ़ाएंगे। पहला जो स्टेप है जो आपको देखना है वो ये है कि अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके गुण जो हैं, जो जिसमें आप अच्छे हैं, उनको पहले पता करिए। क्या आप पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, क्या चीज़ आपको खुश करती है। जैसे आपको खाना बनाना पसंद है या खाना खाने के ऊपर आपका बड़ा ध्यान है ना, आपको पता है मसाले कितने डालने चाहिए, आपको पता है किस समय गैस बंद करनी है, कितना पानी होना चाहिए, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके बाद आप अपने गोल को फोकस करिए। अब आपको पाना क्या है ज़िंदगी में, क्या चीज़ क्या बनना है। बचपन में, जितने बचपन में आप अपना गोल फिक्स कर लेंगे उतना बढ़िया है। क्या आपके गोल है, यानी कि आपको क्या अचीव करना है, आपका माइलस्टोन क्या है, और क्या आप करेंगे उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए। तो उसके लिए, जैसे अगर आप खाना बनाना पसंद है आपको, तो आप शेफ बनना चाहते हैं, तो शेफ़ बनने के लिए आपको पहले तो अपना पहले बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा, और कई जगह आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी आप 5-स्टार होटल में या 7-स्टार होटल में अच्छे शेफ बन पाएंगे। ये आपका गोल है। फिर उसके बाद डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल। अब आपको टाइमलाइन बनानी है कि भाई हमको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि मैं शेफ़ बन सकूं। जैसे मैंने कहा कि जैसे स्कूल है, स्कूल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐसा एग्जामिनेशन क्लॉस करना पड़ेगा ताकि आप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जा सकें। ये आपका गोल है। तो फाइनली आपको होटल मैनेजमेंट अपने दिमाग में रखना है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आता है स्टे लॉयल टू योर गोल। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ पा ली तो बस आपका काम खत्म हो गया। अब जब आप शेफ़ बन गए तो आप विश्व के सबसे बढ़िया शेफ़ बनने चाहिए। यानी जब आप अपना गोल पा लेते हैं, मान लीजिए आप शेफ़ बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाएगा, तो जब भी कोई तकलीफ आए, दिक्कत आए, जब होटल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन अगर आप एंट्रेंस नहीं कर पाए मान लीजिए, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या तरीके हो सकते हैं शेफ़ बनने के। हो सकता है आप अपना खुद का होटल खोल लें, खुद का बिजनेस या खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करके अपने होटल खोल के कुछ खुद शेफ़ बन जाएं या हेड शेफ़ बन जाएं या लोगों को गाइड करें। तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये क्या। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप शेफ़ बन जाते हैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास होकर किसी 7-स्टार या 5-स्टार में, तो फिर क्या होगा, जो आप खाना पका रहे हैं वो हमेशा उसी तरीके से बनाइए, यानी अपने काम के प्रति वफादार रहिए। ऐसा नहीं कि आप शेफ़ बन गए तो बस आपका काम खत्म हो गया। तो पहली चीज़ क्या करना है कि आपको गोल सेट करना है कि ये मेरा गोल है। फिर उसको देखना है कि भाई इस गोल को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और ये पेस, ये एनर्जी, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन आपको दिखाना पड़ेगा, और जब यहाँ गोल मिल जाए तो हमेशा इसके प्रति वफादार रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ये उत्तर हैं आपके NCERT में दिए हुए हैं। तो पहला देखते हैं, व्हाट मेक्स यू और कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर्स चेयरिंग यू। क्या चीज़ ऐसी है जो आप खुद कर लेते हैं और बगैर किसी के चीयर किए हुए, यानी कम ऑन वेरी गुड बगैर किए हुए आप खुद कर लेते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसका मतलब, उसका उत्तर है सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा। खुद की प्रेरणा ही आपको वो चीज़ करने पर आमादा करती है या वो चीज़ करने पर आगे बढ़ाती है जब दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं रहता, दूसरा आपको बकअप नहीं कर रहा होता, दूसरा आपको काउंसल नहीं कर रहा होता है, या दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, प्रेरित नहीं कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ये होता है कि आप वो काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड अबाउट इट। मतलब अगर आप मान लीजिए स्विमिंग करने गए और आपको स्विमिंग बहुत अच्छी लगी, तो ये आपका अगले दिन आप जब स्विमिंग जाने के लिए उत्साहित रहेंगे, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छी स्विम करके रिकॉर्ड बना दिया, या फिर आप कोई स्विमिंग प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल कर ली और लोगों ने बहुत तारीफ करी, और मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का प्राइज़ मिल गया, तो ये आपका ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। लोग तारीफ़ कर रहे हैं और आप इस जगह पे बना रहना चाहते हैं, हमेशा जीतना चाहते हैं, तो इसे हम एक्सटर्नल, बाहरी, ये आंतरिक है, ये बाहरी है। इस तरीके के दो मोटिवेशन होते हैं। तो ए और सी इसका उत्तर है, इसका उत्तर सी है।
रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? तो ये बाहरी है। देखिए, जब आप अंदर से करते हैं, आपको अंदर से खुशी मिलती है, तो आंतरिक मोटिवेशन होता है। लेकिन क्योंकि रवि अवार्ड जीतना चाहते हैं, और अवार्ड कहाँ से मिलता है? कोई बाहरी संस्था होगी, उनका कॉलेज होगा या स्कूल होगा, वो उन्हें अवार्ड देगा, तो लोग ताली बजाएंगे, लोग उनको तारीफ करेंगे, लोग उनकी पीठ थपथपाएंगे, उनकी फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, उनकी तारीफ होगी। तो इस तरीके से रवि बाहरी जो मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा है, उसके कारण ये काम करना चाहते हैं। तो बी है इसका उत्तर। चलिए साहब, ये बात हो गई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।